लैंसेट ने एक स्टडी करी, और लैंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 2021 में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ। तो 40,70,000 एक वैश्विक संगठन बता रहा है, WHO 47,00,000 बता रहा है, और बाकी जो प्रामाणिक और संस्था है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेथ्स का अनुमान एक न्यूज़पेपर ने किया था, उस पर छापा पड़ गया। जो ही उसने अनुमान किया उसके ऊपर छापा पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई, उसमें से 47,00,000 इंडिया में, मतलब दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी। भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार तार क्यों किया? क्यों दुनिया की एजेंसीज, वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर 2 स्थान पर भारत है, ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है? क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को 10 गुना कम करके दिखाया है? ऐसा क्यों किया गया है?